हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे विंटर स्पेशल में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक खास ट्रीट जो सर्दियों में गर्मी और मिठास दोनों लाती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जिसमें है नट्स का स्वाद और विंटर फ्रूट्स की मिठास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनके लिए हमें चाहिए थोड़े से बादाम, कैश्यूज, घी 1/4 कप, कोकोनट, थोड़ी सी जगड़ी और थोड़े से सफ़ेद तिल। ये सारे चीज़ें अच्छे तरीके से लेने के बाद हमें गैस पे रखनी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डालना है थोड़े से घी, और घी जब हल्का गर्म हो जाए तो हमें उसमें रोस्ट कर लेने हैं बादाम, और बादामों को तब तक भूनना है जब तक कि उनमें से खुशबू ना आने लगे। और जैसे ही बादाम अच्छे तरीके से भून जाएंगे तो हमें कैश्यूज को भी अच्छे तरीके से भून लेना है, और सेम ही प्रोसेस से हमें किशमिश, कोकोनट और तिल को भी अच्छे तरीके से सोचे कर लेना है। तो ऐसी सी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस को अपलोड कर सकें। जैसे ही सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे तरीके से भून जाएंगे तो हमें उसे नाइफ की मदद से छोटे छोटे पीसेस में एकदम कट कर लेना है, जिससे क्या है ना लड्डू बनाने में आसानी है। सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से कट करने के बाद हमें लेनी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डालना है थोड़ा सा ऑयल और कट की हुई थोड़ी सी जगरी, और ऐड कर देना है 1/4 कप पानी। तो जैसे ही गुड़ अच्छे तरीके से पक जाएगा तो उसमें लम्स आने लगेंगे और एक तार की चाशनी निकल जाएगी। तो जैसे ही अच्छे तरीके से पक जाएगा तो हमें इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा भुना हुआ बेसन। तो मैंने समथिंग 2 चम्मच भुना हुआ बेसन इसमें ऐड किया है। बेसन ऐड करने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। तो जैसे ही ये अच्छे तरीके से पक जाएगा तो हमें इसमें ऐड कर देने हैं सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, एक बार में हमें इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने। तो अब मैंने इसमें डाले हैं कटे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स और इनको चलाया है 1 मिनट के लिए। धीरे धीरे चलाते रहना है जिससे सारा का सारा घोल टाइट हो जाए। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो गए तो हमने उसमें ऐड किया है कोकोनट, और कोकोनट ऐड करने के बाद हमने उसमें ऐड किए हैं वाइट तिल। वाइट तिल विंटर में टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। एकदम विंटर के लिए एकदम रेडी है लड्डू। तो जैसे ही सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, और ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएगी तो हमें इनको राउंड राउंड कट के लड्डू की शेप देनी है। तो ये थी हमारे विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी। इसमें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्रंचीनेस नट्स और मीठी जगड़ी का। शुक्रिया सभी का जो आपने हमारे साथ सर्दियों के फ्लेवर्स को सेलिब्रेट किया। उम्मीद है आपको ये स्पेशल ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाना और खाने में मज़ा आएगा। तो ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। सेम चैनल सेम